केरल के तिरुवनंतपुरम से चौंकाने वाला मामले सामने आया। वहां कॉलेज के कुछ छात्रों ने बस स्टैंड पर सीट को तीन हिस्से में बांटने का विरोध किया। छात्रों का आरोप है कि इलाके के कुछ लोगों ने बेंच के तीन हिस्से कर दिए ताकि लड़के और लड़कियां एक साथ ना बैठ सकें। और इसी बात ने तिरुवनंतपुरम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के इन छात्रों को गुस्से से भर दिया, जिसके विरोध में वो बस स्टैंड पर पहुंचे और एक दूसरे की गोद में बैठकर उन्होंने इलाके के कुछ लोगों की इस हरकत का विरोध किया। सामने आई तस्वीरों में बस स्टैंड पर इस कॉलेज के कुछ छात्र और छात्राएं एक दूसरे की गोद में तीन हिस्सों में बटी सीट पर बैठे नजर आए। तस्वीरों में साफ दिखा कि बस स्टैंड में लगाई गई बेंच को तीन हिस्सों में बांट दिया गया, लेकिन इसकी परवाह किए बगैर छात्र एक दूसरे की गोद में बैठ गए। एक तस्वीर तो इन छात्रों ने ऐसी खिंचवाई कि ये पता लगाना मुश्किल हो गया कि बेंच को तीन हिस्सों में बांटा भी गया था। और ये तरीका उन्होंने इसलिए अपनाया ताकि वो इलाके के लोगों की सोच का विरोध कर सके। बताया गया कि ये बस स्टैंड उन छात्रों के कॉलेज के पास ही मौजूद है, जहां से उनका हर रोज आना जाना होता है। ऐसे में इलाके के कुछ लोगों की इस हरकत ने उनमें बगावत के सुर छेड़ दिए। छात्रों का आरोप है कि इलाके के कुछ लोगों ने बेंच को तीन अलग अलग हिस्सों में इसलिए बांटा ताकि लड़के और लड़कियों को एक साथ बैठने से रोका जा सके। कॉलेज के इन छात्रों का ये भी कहना है कि कुछ लोग उन्हें एक साथ देखकर परेशान भी करते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने इलाके के कुछ लोगों पर लड़कियों के पहनावे पर गलत कमेंट करने का भी आरोप लगाया। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद शहर की मेयर आर एस राजेंद्रन वहां पहुंची, जिसके बाद उन्होंने कुछ ट्वीट भी किए और छात्रों का समर्थन किया। बस स्टैंड पर पहुंचने के बाद मेयर ने उस जगह का न सिर्फ मुआयना किया बल्कि कॉलेज के उन छात्रों से मुलाकात भी की।